दलित लोगों की प्रताड़ना का मामला हो या दीन दुखियों की सेवा, अखिल भारतीय बलई समाज के अध्यक्ष मनोज परमार मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान कोई परिवार भूखा न रहे, इसके लिए पिछले 2 महीने से अध्यक्ष मनोज परमार और उनकी टीम द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। इन दिनों लॉकडाउन में जरूर रियायत दे दी गई है, लेकिन सेवा कार्य अभी भी सतत जारी है। हर सुबह 6 से 8 बजे के बीच पूरी टीम द्वारा जरूरतमंदों को सूखा राशन दिया जा रहा है। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर स्टॉल लगाकर मजदूरों को भरपेट भोजन कराया जा रहा है। जैसे हर बार ऐसे इस दूरी में बैठे इसी तरह से जाना है और उसी तरह से आने का भी रहता है। आप इस चीज का ध्यान रखना, आपकी सुरक्षा के लिए ये सारी व्यवस्था है। सेवा कार्य के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि प्रशासन के नियमों का उल्लंघन ना हो। इसके लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी के संपर्क में ना आ सके। इतना ही नहीं, लोगों को भी समझाइश दी जाती है कि जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। अध्यक्ष मनोज परमार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैले और वे सतर्क रहें। कोई भी काम करने जाए तो चिपके नहीं, अपन पास पास नजदीक नजदीक नहीं आए। कोशिश यह करना कि दूर ही रहें। दूर रहोगे और घर पे रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहोगे। और ये सारी व्यवस्था और ये सारे नियम जो है आपकी सुरक्षा और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। तो ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो बाजार में भीड़ की तरह हुजूम की तरह चले गए। अभी यहाँ से जाते वक्त भी झुंड बना के नहीं जाना है। जैसे हर बार ऐसे इस दूरी में बैठे इसी तरह से जाना है और उसी तरह से आने का भी रहता है। आप इस चीज का ध्यान रखना, आपकी सुरक्षा के लिए ये सारी व्यवस्था है। अखिल भारतीय बलई समाज के अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों, जरूरतमंदों और असहाय परिवार सभी को पूरी टीम द्वारा राशन सामग्री और भोजन पैकेट्स का वितरण किया गया है। इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए दूध और फल की भी व्यवस्था की गई थी। उनके अनुसार यह सेवा कार्य अभी भी जारी है। अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में श्री भूतेश्वर महादेव सेवा समिति के द्वारा पिछले कई दिनों से, जब से लॉकडाउन चालू हुआ था 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी, 27 मार्च 2020 से दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिक व्यवस्थाएं डगमगा गई थी और यहाँ उनका जो राशन पानी है, चूँकि रोजनदारी का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, बेलदारी का काम करते हैं, झाड़ू पोछा करने जाने वाली बहन बेटियाँ हैं, उनकी जो है अर्थव्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। तब से हमने जो है उनकी सेवा चालू करी और आज अनवरत जारी है। आज जो है आज भी आपके सामने सैकड़ों की संख्या में जो है हमारे वंचित तबका, जरूरतमंद लोग, जो गरीब लोग हैं जिनको अभी भी व्यवसाय रोजगार नहीं मिला है, तो वो आज भी जरूरतमंद के हिसाब से आज भी अनाज के लिए लेने आए हैं। और इतने समय में हम लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित हो चुके हैं अनाज वितरण से, और यह कार्य अभी तक चालू है। लॉकडाउन समाप्त हुए आज 5वां दिन हो गया है, फिर भी इनके रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई है, इनके भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मानव धर्म निभाते हुए हमारा ऐसा संकल्प है कि हम कोशिश करें कि हम जितने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का राशन इसमें वितरित किया जाता है? हम आलू प्याज और आटे का वितरण करते हैं इसमें, और कभी कभी सब्जी भी वितरित कर देते हैं। जो हरी सब्जी अब चालू हो गई है तो हम सब्जियों का भी वितरण करते हैं, और आलू प्याज आटा विशेष रूप से होता है। इस कार्य में लगभग कितने लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता है? लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ता हमारे इसमें लगे रहते हैं सुबह से लेके अर्धरात्रि तक, क्योंकि गेहूं बिनने में भी हमारी महिला बहनों का जो है मातृशक्तियों का